लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। समोसे खोलो। बाय द वे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ऋतिक ने अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहा है, लोगों को देखेगा ना तो बहुत खुश हो जाएगा। एक डील यार, रिकी के लिए तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं कि नहीं? तू चुप रहे, तू है ना पार्टी जहाँ रहेगा ना वहाँ पहुँच ही जाएगा। Hi, I'm so sorry यार रिकी, तेरी शादी के बाद की जो प्रिवेसी है ना वो हम यहाँ पे बैठ बैठ के। अब क्या करें, जब हमारे जैसे दोस्त तुम ज्यादा देर तो अकेले नहीं रह सकते ना। और ताकि आपकी प्रिय पति को कोई प्रॉब्लम ना हो, हम लोगों ने पॉटलक डिनर किया है। सब लोग अपने अपने घर से कुछ कुछ लेके आए। मुंह तो क्या? अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना। ये लड़की भी तेरे साथ एक दिन वही करेगी जो गीता ने मेरे साथ किया था, छोड़ के चली जाएगी तुझे। क्या हुआ? कुछ नहीं, डैड से मिलने गए थे ना? हाँ। नहीं किया उन्होंने बिलीव तुम्हारी बात पे? क्या लगता तुम्हें? कर लेंगे बिलीव, हम ट्राई करेंगे ना, एक दिन मान जाएंगे। स्माइल। तुम जाओ उनके पास, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। नहीं जाऊंगी। स्माइल। ये ठीक है यार। थोड़ी देर के लिए ही सही, पर तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुम पे चीट कर रही हूँ? मैंने तुम पे कोई शक नहीं किया, मेरी मॉम ने जो मेरे साथ किया। मैं वैसी नहीं हूँ ऋत्विक, आई डोंट नो तुम्हारी मॉम ने ऐसा कैसे किया। ऑनेस्टली अगर वो मेरे सामने आ जाएगी ना तो आई विल किल हर। क्या हुआ? तुम्हारी प्रॉब्लम पता क्या है? तुम्हारे थोड़ा सा पास आओ ना, तुम चिपक ही जाते हो। दिल्ली की किसी भी लड़की को ये प्रॉब्लम हुई नहीं है मुझसे। अच्छा ओके, मुझे है। चलो अब आओ बाहर जल्दी, बाय। तुम धोखा मत देना मुझे, ठीक है? कभी नहीं तोड़ूंगी, ठीक है? ओ गॉड, मेरी टाइमिंग हमेशा ही गलत होती है। करेक्ट। अरे कुछ नहीं, हम लोग बस डिस्कस कर रहे थे जो भी कल रात को बॉस के घर हुआ,
तुम अभी भी परेशान हो कल को लेकर। बट लुक एट द ब्राइटर साइड यार, अगर पलक अपने बॉस के घर पे नहीं जाती तो उसे नहीं पता चलता कि वो कैसा इंसान है। पर अगर वो टेढ़ा इंसान होता तो मेरी बीवी को कुछ हो जाता। वाह वाह, इतना प्यार। चलो अभी चले। हाँ चलो खाना खाते हैं। पलक तुम इसे गरम कर दो प्लीज। ओके। और केतु हाँ? ये देखो यार, सब मिक्स एंड मैच हो गया। नूडल, दाल, फ्राइड राइस। क्या हुआ है? सब मिक्स एंड मैच। मैंने तो दाल सब्जी बना दी। और मैंने इडली। एक सेकेंड, तुम्हें कहा था मैंने कि पलक को बता देना सांबर और चटनी बनाने के लिए। बोला था? भूल गया। लो भूल गया, अब क्या खाएंगे हम? रोहित यू डफर, तो मैंने तुझे पूछा कि मैं क्या लेके आऊं, तूने क्या है चाइनीज चाइनीज कुछ भी चलेगा। आई हैव गॉट चाइनीज, अभी ये सब्जी में पति के साथ चाइनीज खाएंगे क्या? ओके ओके, शांति शांति। देखो देखो, हमारे घर पे तीन होनार लेडीज है। पलक तुम सब्जी के साथ रोटियां बना लेना, और सेतु तुम एनी के साथ मिलके ना चटनी बना लो। सांभर बनाने की कोई जरूरत नहीं। गलतियां करेगा और हम तेरी गलतियां सुधारे और तुम लोग बैठ के मजे करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। एक्जेक्टली। चुप। चटनी मैं बनाऊं? कम ऑन यार, खाना तो तुम लोग ही बनाओगे ना। रियली? हम औरतें खाना क्यों बनाए? सी यार, मैं किचन में नहीं जाने वाला हूँ, वैसे भी मुझे कुछ आता नहीं है खाना बनाना यार। है कि नहीं कम्मा? और गाइस, तुम्हें मैं एक और सीक्रेट बता दूं, रोहित नहीं चाहता कि मैं काम करूं। व्हाट? व्हाट? यस रोहित, अनरीजनेबल। आई सीरियसली डोंट बिलीव, तू ऐसा क्यों? ऐसा कैसा हो गया तू? हाँ, तू तो फेमिनिस्ट हुआ करता था। लेकिन सही कह रही है यानी, हो गया तू मेल शोविनिस्ट, पिग हो गया तू। करना क्या है? इतने साल मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। अभी भी बता दे, ऐसा क्या करती है सेतु जो तू ये सब करने को भी तैयार है? सेतु सेतु लाइक बहुत बोल रहा था ना कि औरतों वाले काम है, लेकिन अब ये काम तो तू खुद कर रहा है। अब एक काम कर, ये औरतों वाला दुपट्टा भी पहन ले। अबे पहनना दुपट्टा। खाना रेडी है क्या? हाँ हाँ, बना जल्दी बना। हाँ मसाले वसाले बराबर रखना। तुम दोनों कुछ तो हेल्प कर देते मेरी। 17 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, अवार्ड विनर हूँ, थीसिस लिखता था, आज आलू की स्लाइसेस काट रहा हूँ। ओके, दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड, आई मीन आई एम ओके डूइंग इट, बट शादी के बाद मुझे ये सब नहीं करना है। आई वांट टू गो टू द जिम, आई वांट टू चिल। ये 4 साल में रिटायर होना, किसी और को करना पड़ेगा मेरा काम। यस बेबी, आई विल डू इट फॉर यू। दुपट्टा दुपट्टा तू ही पहले। अबे इधर आ दुपट्टे, चल तो मैं नहीं कर रहा यार। आलू काट, ये लो गर्मा गर्म मंचूरियन। मैं भी तो यही कह रहा था, तुम ऑफिस जाके क्या करो? हम कहा परेशान हो जाती हो, घर बैठ के रिलैक्स करो ना, आराम करो। और ये कवर अप करने की कोशिश मत करो। चावल रेडी है क्या? आप तैयार हैं? बाय द वे, दैट पागल हो गया रिकी, फोटोग्राफ्स दिखाने के बाद भी वही चीजें कर रहा है। ही इज डूइंग द सेम थिंग। मुझे रिकी की बहुत फिक्र हो रही है रिशु, आई एम रियली वरिड अबाउट हिम। अब घबराइए मत डैड, आई हैव समथिंग ऑन माई माइंड। कल रिकी एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है, उस कंपनी का नाम है टेलीक्योर। उस कंपनी का जो ओनर है उत्सव वर्मा, वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है। उसके यहाँ एक सीनियर पोस्ट की वेकेंसी है जिसके लिए रिकी ने अप्लाई किया है। डैड प्लीज इंश्योर कि उसे यह जॉब नहीं मिले। मुझे पता है आपको बहुत खराब लगेगा, लेकिन डैड, एक बीमारी को ठीक करने के लिए कभी कभी कड़वी दवा की जरूरत पड़ती है, और ये सिचुएशन भी कुछ ऐसी है। फोटोज देखने के बाद अगर रिकी की अकल ठिकाने नहीं आई तो उसे कड़वी दवा तो पिलानी ही पड़ेगी। आई विल मेक श्योर कि ये जॉब रिकी को ना मिले। यस डैड, एक्चुअली डैड आपको बेटर आइडिया, उसे ये जॉब मिलने दो, उसके बाद उसे ये जॉब से निकलवा दो। इट विल हैव अ बिगर इम्पैक्ट, क्योंकि जिस तरह और जिस वजह से वो अपनी जॉब गवाएगा, तो जो इतना अंधविश्वास करता है ना वो पलक पर, वो सारा अंधविश्वास टूट जाएगा।
तो कितना समझदार है रिशु। हमें उस लड़की से रिकी का पीछा छुड़वाना है और उसमें तू मेरी मदद करेगा। यस डैड, आई एम श्योर ऐसा ही होगा और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। चीयर्स। चीयर्स डैड। व्हाट्स हैपनिंग ऋषभ? अगर वो लड़की पलक ने रिकी को छोड़ दिया तो रिकी वापस इस घर में आ जाएगा और फिर सारा टेंशन रिकी को मिल जाएगा। व्हाट अबाउट योर प्लान? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ सोच लूंगा मैं। लेकिन अब रिकी इस घर में नहीं आ सकता और मुझे डैड का फेवरेट होने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। यार तुम्हारी प्रमोशन हुई है इसलिए करा रही हो ना ये सब? कल तुम बॉस वॉस बन गई तो पता नहीं क्या क्या करवाओगी मुझसे। नहीं यार, मुझे सच में जरूरत है, अच्छा कर रहे हो। मुझे फिजियोथेरेपी आती नहीं है वैसे। जो कर रहे हो ना, इट्स गुड, कीप डूइंग। करो। ये तुम क्वालिफाइड नहीं हो इसके लिए, तो मैं सोच रहा था कि और बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए मैं क्वालिफाइड हूँ, वो करें। नहीं नहीं नहीं। सुनो, बात करनी है। क्या मतलब? रेडी सेट गो बोलूं? सच बताओगे? सीरियस बात है। अब क्या किया मैंने? थोड़ी देर के लिए ही सही, पर तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुम पे चीट कर रही हूँ? यार इट वोंट बी अ लाइफ, ऐसे कि थोड़ी देर के लिए मेरी पूरी दुनिया रुक गई थी। मैंने तुम पे कोई शक नहीं किया, ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी सस्पेक्ट नहीं किया, बट दैट थॉट, दैट वन मोमेंट, मैं बहुत डर गया था यार। उस थोड़ी देर के लिए बहुत ज्यादा डर गया था मैं। मेरी मॉम ने जो मेरे साथ किया, मुझे छोड़ दिया, फिर तुम। मैं वैसी नहीं हूँ ऋत्विक, आई डोंट नो तुम्हारी मॉम ने ऐसा कैसे किया, तुम्हारी पूरी लाइफ के लिए तुम्हें गम दे दिया। ऑनेस्टली अगर वो मेरे सामने आ जाएंगे ना तो आई विल किल हर। प्लीज ऐसी बातें भी मत करो, मैं तो चाहता भी नहीं कि कभी वो मेरे सामने आए, नेवर। खाना नहीं खाओगे तो फिर बिग बॉय कैसे बनोगे, है ना? उस दिन पलक अगर आपके कमरे में एंटर करती तो सब जान जाती है देख के, ऋत्विक का बचपन। By the way, what do you think about Palak? वो बिल्कुल मेरे जैसी है। She's exactly like me. और एक दिन मैं उसे वही करवाऊंगी जो मैंने किया था। ऋत्विक नून ने परिवार के खिलाफ जाकर किया प्रेमिका से विवाह। वाह, क्या कर रहा है ये पेपर अभी? अचीवमेंट है यार, रखिए। चीनी एक चम्मच। याद है मुझे। वेरी गुड। तो रेडी है तू इंटरव्यू के लिए? सैलरी के बारे में पूछेंगे तो क्या बोलेगा? 50 करोड़ का टर्नओवर था मेरा। 1000 करोड़ का था वैसे, बट नहीं यार, ये सब तो मैं टाइम पास के लिए कर रहा हूँ, घर के खर्चे भी खाने। इवेंचुअली आई एम गोइंग फॉर अ स्टार्टअप, अपना बिजनेस करूँ। पलक का? पलक कल रात से घर नहीं आई। रोज का हो गया उसका, एक नया बॉस है उसका, उसी के साथ रहती है। अच्छी चीटिंग कौन? आंटी। आंटी आप? क्या? हाँ मैं, तुम दोनों से मिलने आई थी यहाँ पर। पर माँ कैसी हो? आप हमसे मिलने आए हो? क्या हो रहा है यहाँ पर? इसे तुम्हारी कुछ पड़ी ही नहीं है, तो
तुम्हें क्या लगता है कल रात मेरी बेटी कहाँ थी? अपने बॉस के साथ। देखा तुमने, इसे तुम्हारी कुछ नहीं पड़ी है। तुम इतनी मेहनत करती हो तो देर भी हो जाती होगी ऑफिस से। इसे लगता है कि तुम इसे चीट कर रही हो। तुम्हारे बॉस के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है। क्या है ये सब? मॉम, वो आपको टीज कर रहा है, वो मजाक कर रहा है आपके साथ। बेचारी सब्जी लेने गई थी। आपको मेरे एक्सपीरियंस से तो पता ही होगा कि मैं बहुत ही नॉटी किस्म का बेटा हूँ। और आपने इतना प्यार दिया था पिछले कुछ दिनों में, मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा प्यार। पहली बार आई है ना आप घर। वेलकम। एक बेटा था मेरा जो बिल्कुल तुम्हारे तरह नॉटी था, उसे तो मैं खो चुकी हूँ, लेकिन इस बेटे को नहीं खोना चाहती। और हाँ, एक बात और कह देती हूँ, फिर से परेशान करने की कोशिश की ना तो अंदर करवा दूंगी। बिल्कुल नहीं करूंगा आंटी, आपने तो पलक को नहीं छोड़ा था, मैं क्या चीज हूँ। और तुम्हें भी? नहीं नहीं आंटी, मैं भी जेल की हवा खा चुका हूँ, मैं खुद ही नहीं करने दूंगा इसे। इसकी तो बीवी भी अंदर थी। हाँ चल, अभी लेट नहीं हो रहा है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए जा रहे हो? एक मिनट रुकना बेटा, दही शक्कर है घर में, तुम लोग यही रुकना, हम अभी आते। रो तेरी एक्टिंग, पार कर जाता तो पागल है, मैं ऐसे पंगे लूंगा हिटलर से। पलक के डैड से मेरी बात होती रहती, उन्होंने बताया था कितना मिस करती है पलक को। I just need to light the fire. जब किसी अच्छे काम से बाहर जाते हैं तो कुछ मीठा खा के जाते हैं, ये लो दही शक्कर खाना। बेस्ट ऑफ लक। अब जाओ, देर हो जाएगी, चलो। डांटते क्यों रहते हो यार? तो आज रिकी तुम्हारे पास इंटरव्यू के लिए आ रहा है? हाँ, आज हम कॉफी शॉप में मिलते हैं, क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी मीटिंग्स कॉफी शॉप पर होने लगी है। और वैसे भी उसने कॉलेज टाइम में मेरी बहुत सारी हिट्स चुराई है। वो तो कॉलेज था, अब रिकी प्यार में है। ऋषभ, साची आओ, मैं बुला के लाती हूँ। थैंक यू। बच्चों आओ नाश्ते के लिए। रीवा फोन छोड़ो। आई। अब मेरा प्लान ध्यान से सुनो, जब रिकी तुम्हारे पास इंटरव्यू के लिए आएगा तो ठीक है। लेकिन भाई थोड़ा रिस्की है। हाँ रिस्की तो है, लेकिन अगर तुम हमारे साथ जुड़ जाओगे तो आगे जाके तुम्हें हमारे साथ बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। फायदा तुम्हारा ही। तुम्हें तुम्हें रिकी को जॉब देनी ही होगी उत्सव। वो मेरा भाई है। I'll be really grateful. Thanks. ऋषभ, तारी अब जो कुछ भी हुआ है, आखिर रिकी मेरा भाई है, मुझसे जो हो सकता मैं उसके लिए करूंगा। बहुत अच्छी बात है बेटा, अब चल नीचे आ जा, नाश्ता लग गया है। जी जब लोगों को पता चलेगा कि ऋत्विक नून हमारी कंपनी को ज्वाइन कर रहा है तो हमारी कंपनी के शेयर्स अपने आप बढ़ जाएंगे। मेरी कंपनी थोड़ी छोटी है बट पोजीशन बहुत बड़ी है। कोई कंपनी छोटी नहीं होती। And I know it's a big responsibility. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम हमारी कंपनी में आए हो। मिलते हैं ऑफिस में। थैंक यू। Have a nice day. जी माँ। नौकरी तो सर आपको मिल ही गई होगी। जी मिल गई। ये सब आपके सपोर्ट के बिना नहीं होने वाला। I love you, Mom. I love you tons. थैंक्स मेरी मदद करने के लिए, इतने साल मेरी मदद करने के लिए थैंक यू।
कौन है? तुम्हारा बाप ऋत्विक नोहन। वैसे मिलने तो मैं अपनी वाइफ को आया था।